हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचेस कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्त वाले फलाहारी आलू की रेसिपी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, उसके बाद मैंने ली है यहाँ पे कच्ची मूंगफली, फ्राई करेंगे इसको। इसके बाद ली है मैंने हरे धनिया जिसको धोकर रख लिया है, दो हरी मिर्च को काट कर रख लिया है, सेंधा नमक लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लिया है काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद मैंने लिए हैं 400 ग्राम आलू जिनको उबाल कर रख लिया था। अब ये ठंडे हो गए हैं और सबसे पहले हम इनको छीलेंगे। छीलने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो सारे आलू छिल गए हैं, अब हम इनको कट करते हैं। आलू का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज रखा है। तो इसी तरह ही सारे के सारे आलू को मैंने काट कर रख लिया है। दूसरी तरफ मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच देसी घी। जैसे ही इसमें घी मेल्ट हो जाएगा हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो ये लगभग 1 कप मूंगफली है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए घी के अंदर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मूंगफली भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें से आधी मूंगफली हम साबुत और आधी मूंगफली को ग्राइंड करके आलू के अंदर यूज़ करेंगे। अब घी हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो इसी घी के अंदर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। मिक्स करेंगे इसको थोड़ा सा, और जैसे ही जीरा कलर ले लेगा हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। 1 सेकंड से चलाएंगे और साथ ही साथ ही हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। लो फ्लेम पर पकाएंगे हम इनको। और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें सेंधा नमक, वर्त का नमक भी बोलते हैं। और साथ ही साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया और इसके साथ साथ ही हम डाल देंगे इसमें साबुत मूंगफली, और आधी मूंगफली को हमने ग्राइंड करके रख लिया था उसे भी डाल देंगे इसके अंदर। इसका टेस्ट आलू के अंदर बहुत अच्छा आता है, बनाकर देखिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इन्जॉय करेंगे इस रेसिपी को। और अब इसमें खट्टापन डालने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस, इसको भी निचोड़ देंगे इसके अंदर। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, 2-3 मिनट के लिए इसको चलाएँगे। तो बस तैयार हैं वर्त वाले आलू बनकर। आप इन्हें वर्त में तो ज़रूर बनाकर खाइएगा, और आम दिनों में भी आप इसको खा सकते हैं। तो देर किस बात की, बनाइए, खाइए और खिलाइए अपनी फैमिली को। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।